सॉरी बच्चों, मैंने कोशिश किया जो कि लाइव क्लास ले पाऊं, लेकिन इंटरनेट की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। तो उसी टॉपिक को जो है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो बच्चों देखो, मैंने जैसा कहा था जो कि हम एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों? एवरेज स्पीड पे, एवरेज स्पीड, ठीक है बच्चों? तो देखो, मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो कि कैसे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे पास क्वेश्चंस हो और उसके अकॉर्डिंग हम करते हुए प्रोसेस करते हुए सीखेंगे तो ज्यादा बेस्ट सीख पाएंगे। तो देखो, जैसा कह रहा है, अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर। जैसा मैंने आपको बताया जो कि पहला कर रहे हैं हम, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, ऐसे डिनोट करते हैं। उसने कहा 30 किलोमीटर। फिर उसने कहा S1 है ये मेरा, जो किस स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से। स्पीड उसने कितना बताया है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों? अब जो है नेक्स्ट 30, यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यानी कि S2 मेरा कितना है, यहाँ पे S2 है मेरा 30 किलोमीटर, और V2 कितना बता दिया उसने, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, ए से बी, बी से सी। यहां से यहां तक 30 किलोमीटर है ये, यहां से यहां तक 30 किलोमीटर है S2, फिर ये यहां से यहां तक V1 स्पीड से गया है, कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां तक V2 की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? डायग्राम को समझो, डायग्राम अगर हमें समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। तो देखो, अब मैंने आपको बताया स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, डिस्टेंस क्या होता है, S/T। मुझे यहां पे डिस्टेंस नोन है, तो क्या नोन नहीं है, टाइम। तो मैं जानता हूं टाइम कैसे निकाल सकता हूं मैं यहां से, तो ये T इक्वल टू S1/V1 T1, ऐसे T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2/V2। समझ में आया बच्चों? तो देखो, S1 की वैल्यू कितनी है, 30/40, तो यानी कि 3/4। इसकी कितनी वैल्यू है, 30/20, यानी कि 2/3। तो T1 की वैल्यू कितनी आई, 3/4, और T2 की वैल्यू 3/2। तो देखो, एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो देखो, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 प्लस, अच्छा एक काम करता हूं मैं इसको इरेज कर देता हूं, दोबारा यहां पे लिख दे, क्योंकि डायग्राम में हमने डिनोट कर दिया है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम, तो टोटल S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। देखो ध्यान से, S1 कितना है, 30 प्लस 30 डिवाइड बाय T1 कितना है, 3/4 प्लस 3/2। तो देखो, ये हो गया 60 डिवाइड बाय, नीचे का एलसीएम लिया 4 आएगा, 3 प्लस 3 इंटू 2। कैसे, 4 में 2 का डिवाइड किया, इनका एलसीएम 4 आया, 4 में 2 का डिवाइड किया 2 आया, तो आंसर हमने 3 प्लस 6 इंटू 4, आंसर कितना आया मेरा, 240 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो एक बार देख लो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आप समझो, उतार लो इसे, देख लो। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर। एक ट्रेन मान लिया मैंने जो है 60 किलोमीटर चल रहा है, ए से बी तक जो है 60 किलोमीटर गया है, ये S1 हो गया, कितने टाइम के लिए, T1 दे रखा उसने मेरे को, सॉरी ये स्पीड दे रखा 60 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि S1 नहीं है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, S1 नहीं मालूम, और V स्पीड दे रखा है, V1 कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, और T1 कितना दे रखा है मेरे को, 0.52 आवर। ठीक बच्चों? फिर कह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट,
फिर बी से सी गया है वो, बी से सी गया है वी टू से, कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और टी टू कितना है मेरे पास 70.24 आवर। ठीक बच्चों, फिर कह रहा है एंड एट 70 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट, एक और गया है वो, यानी कि सी से डी भी गया है, यहां से यहां तक गया है वो, क्या है 70, यानी कि वी थ्री कितना है मेरे पास 70 किलोमीटर पर आवर, और टी थ्री कितना है 0.71 आवर। तो बच्चों देखो, सारा चीज दे दिया मुझे, अब क्या नहीं मालूम मुझे, तो डिस्टेंस नहीं मालूम, तो एस वन क्या होता है मेरे को मालूम है, यहां से मैंने निकाल लिया एस इजकल टू वी वन टी वन या वी इंटू टी, तो देखो एस वन क्या हुआ, वी वन इंटू टी वन, एस टू वी टू टी टू, और एस थ्री वी थ्री टी थ्री। तो देखो एवरेज स्पीड इजकल टू एस वन वी वन सॉरी एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। एस वन की वैल्यू कितनी है वी वन वी टू, वी वन टी वन वी टू टी टू वी थ्री टी थ्री डिवाइड बाय टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। तो बच्चों देखो वी वन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60 × 0.52 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 30 × 0.24 प्लस 70 × 0.71 डिवाइड। देखो बच्चे ये सारी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, हमने पहले नोट डाउन कर लिया है 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। इनको जो है हम सॉल्व करेंगे, तो हमने सॉल्व किया 6 × 2 = 12 का 2 कैरी 1 और 6 × 5 = 30 31, यानी कि यहां डेसिमल आएगा। ठीक है बच्चों, प्लस ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 7 और ये 0 यहां 0 आएगा प्लस। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, एक 0 यहां लगाया और ये यहां लग गया, तो ये हमने आगे बात की। तो डिवाइड बाय इनको ऐड किया 2, 4, 6, 7 और 5, 2, 7 और 7, 14, तो डेसिमल यहां लग गया हमारा। इनको ऐड किया मैंने, जब मैंने इनको ऐड किया तो बच्चों जब मैंने इनको ऐड किया तो कितना आया मेरे पास देखते हो, यहां ऐड कर लेते हैं 31.20 72.0 49 सॉरी 497। ठीक है, तो हमारे पास जो है 497, तो इनको इसको ऐड किया, गलती हो, ये यहाँ आएगा डेसिमल, ये डेसिमल यहाँ आएगा 49.7, तो 0, 9.9, 1, 10, 12 का 2 carry 1, 4, 5, 5 और 10, 15, तो यानी कि टोटल 152.90 डिवाइड बाय इनको सम किया तो ये टोटल मेरे पास कितना है 1.47। बाद में इसे सॉल्व कर देंगे, ये आगे मेरा किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो कर लिया हमने इसलिए मिटा देते हैं इसे, तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा कह रहा है ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है जो पूरा यहां से यहां तक 120 किलोमीटर का है। ठीक है बच्चों, कह रहा है ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर चलता है वो, मान लो ए से बी गया है वो, और स्पीड दे रखी है 30, यानी कि एस वन है मेरा ये और वी वन है मेरा 30 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है फर्स्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, ये यहां से यहां तक 90, यानी कि एस टू मेरा है 90 किलोमीटर है, तो बोला है कि किस स्पीड से वो चले कि वो क्या है एवरेज वेलोसिटी जो है मेरी कितनी हो जाए, एवरेज स्पीड जो है मेरी
एवरेज स्पीड उसने बताया है कितना होना चाहिए, 60 किलोमीटर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों देखो, देखते हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मेरे को डिस्टेंस नोन होता है तो वो वाला केस लगाएंगे हम, है ना। तो डिस्टेंस नोन है मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरा, यहां से टी वन निकाल लू मैं, तो ये जो है मेरे पास टी वन हो गया मेरा एस वन बाय वी वन, टी टू हो गया मेरा एस टू बाय वी टू। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे ये हो गया एस वन प्लस एस टू डिवाइड बाय टी वन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एस वन बाय वी वन प्लस एस टू बाय वी टू, सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू रखी मैंने, एस वन कितना है मेरा 30 प्लस 90 डिवाइड बाय एस वन 30 डिवाइड बाय 30 प्लस एस टू 90 डिवाइड बाय वी, तो ये हो गया 120 डिवाइड बाय, ये तो हो गया 1 क्योंकि 30 से 30 कैंसिल 1 आएगा, 1 प्लस 90 बाय वी, तो इस पूरे का एलसीएम जो लूंगा मैं वो लूंगा वी, तो वी प्लस 90 120। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो 120 इंटू वी डिवाइड बाय वी प्लस 90, और इस पूरे की वैल्यू जो एवरेज स्पीड दे रखी है वो हमें दे रखी है 60, तो 60 की इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इनटू वी डिवाइड बाय वी प्लस 90, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो 60V प्लस 60 इनटू 90 इज इक्वल टू 120V, तो आगे सॉल्व किया मैंने तो कितना, अब देखो ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, इसको उधर भेज दिया, 120V माइनस 60V इज इक्वल टू 5400, है ना, 5400, तो यहाँ पे 60 बचा मेरा, 60V इज इक्वल टू 5400, तो V की वैल्यू कितनी आएगी 5400 डिवाइड बाय 60, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 90 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ये तीसरा क्वेश्चन, तो जो है अब हम जो है नेक्स्ट तीसरा कर लिया हमने, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, आपने देख लिया होगा, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब जो है हम जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सॉरी तीसरा हो गया हमारे पास, हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, ये भी इरेज कर देता हूं मैं, तो फोर्थ क्वेश्चन हमने देखा, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल है यहां से यहां तक रेडियस है उसका, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो कह रहा व्हेन इट कंप्लीट द हाफ सर्कल, तो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं हम इधर, और इधर डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। ठीक बच्चों, तो देखो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, हाफ सर्कल चला है ये यहां से लेके यहां तक चला है, तो हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है बच्चों, अब ये चला हाफ है तो कितना हो जाएगा, टू यहां पे डिस्टेंस पाथ लेंथ 2πr/2, तो आंसर क्या है πr मीटर या जो भी है मेरे पास। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में मेरा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ चाहिए होता, तो ये और ये, तो कितना आ जाएगा मेरा r प्लस r, ये भी r है मेरा, रेडियस है तो 2r मीटर। ठीक, दूसरा केस देखते हैं, व्हेन इट कंप्लीट वन फुल सर्कल, ये a से वापस a पे आ गया। ठीक है, तो यानी कि सर्कमफ्रेंस ही होगा, तो टोटल पाथ लेंथ कितना होगा 2πr, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वापस इसी पॉइंट पे आ गए घूम के, तो 0। समझ में आया बच्चों, तो ये हमने चौथा क्वेश्चन देख लिया, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर 4 सेकंड में चलता है, एस वन दे रखा है 16 मीटर, टी वन दे रखा है 4 सेकंड, देन अनोदर 10 मीटर नहीं अनोदर 16 मीटर, तो एस टू कितना है 16 मीटर द्वारा, वो 2 सेकंड में चलता है, तो व्हाट इज एवरेज
स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा है तुमने। तो देखो, तो सबसे पहले हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एस वन प्लस एस टू डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू, क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 यानी कि 32 डिवाइड बाय 8 सॉरी 6 है ना, कितना आ जाएगा 36, और काट दो इसे 16 जा और 3 जा, 16 बाय 3